तारीख के दिन कमला नगर में रहने वाला श्रीकांत बोलने वाला एक आके कंप्लेंट दिया, उसका बहन कोई जोर जबरदस्ती कोई दूसरा वाला आके दीवार कूद के उसके घर में घुसे तो वो बच्ची छीके चिल्लाने के बाद इन्हें जाके अंदर जाके देखे तो वो बच्ची के साथ एक मर्द था। क्या हुआ बोल के वो बच्ची को पूछे तो ये इन्हों जबरदस्ती करके मेरे को वो रेप करा बोल के बोला। उन्हों क्यों जी क्या है बोल के उन बोले तो वही बस्ती में बाजू रहने वाला शकील बोलने वाला है, वो मोटर मैकेनिक है। वो शकील इन भी पहचानता, क्या शकील इधर क्यों आए वो बोले तो नहीं मैं इसको इसका रूम मोहब्बत है मेरे को शादी कर ले तो क्या आप निज जात के है तो भी क्या क्या होता मैं शादी कर लेते बोल के बोले तो दोनों में इतने में झगड़ा हुआ। आजू बाजू वाले आ गए तो इन्होंने 100 डायल करे तो भाग गए। बाद में क्या हुआ उन्होंने वो बच्ची को लेके वो कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में दिए तो 1145 को FIR इशू करा। करने के बाद वो बच्ची को हॉस्पिटल को भेजा, भरोसे सेंटर में उसमें स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा एग्जामिन करा। CP हैदराबाद के मुताबिक वो हमारे को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई वो अपॉइंट करा। जो इन्वेस्टिगेशन में ये निकला कि वो बच्ची पहले इससे ज़ोर ज़बरदस्ती करके जब काम करने के गए तो भी बीच में अटक के उसको मेरे किश करना नहीं तो ये फ़ोन पे बात करना नहीं तो इसको ज़बरदस्ती कर तुम वो कर तुम बोल के डराया। डराने के बाद वो बच्ची उनसे बात करने लगा, वो लेके उन्होंने ये घर में कूदे। कूदने के बाद 6-6 तारीख के दिन वो बच्ची के ऊपर असाल्ट करके बोला, बच्ची ने बोला उसलिए उसको आज सुबह में 9:15 को अरेस्ट करा घर से। अरेस्ट करके वीडियो कॉन्फ्रेंस में मजिस्ट्रेट के साथ प्रोड्यूस कर रहे हैं। आज उसको अरेस्ट करने के बाद रिमांड रिपोर्ट के साथ अभी कोटा बंद है, इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंस में मजिस्ट्रेट को लेके वीडियो कॉन्फ्रेंस में उसके पेश कर रहे, अभी जुडिशियल रिमांड के लिए प्रे कर रहे। सब क्या क्या सेक्शन उसमें 376, 420, 448, 506 और पोक्सो केस लगाया, 4 and 5 and 6 ऑफ पोक्सो एक्ट एंड SC ST एक्ट लगाया। सब पार्टी से ताल्लुक, कोई पार्टी के ताल्लुक है नहीं है, एस्टैब्लिश नहीं हुआ और इंक्वायरी करेंगे। और